अक्सर सभी बच्चों को साग खाना बिल्कुल पसंद नहीं होती है कि यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर उनको इस तरह से हरी हरी पूरियां बना कर देते हैं तो पालक साग के पोषण भी जाएगा, साथ भी पूरियां भी टेस्टी भी लगेगी। तो मेरे तरीके से बना कर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पालक साग को मैंने यहाँ पर बढ़िया से क्लीन कर लिया है और मैंने यहाँ पर देखिए 5 से 6 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि जो इसमें मिट्टी वगैरह होंगे वो निकल जाएगी। तो उसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे पीस में चॉप करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बड़े मिक्सर जार में, सभी साग को मैंने डाल दिया है। 2 पीस मैंने मिर्ची डाला है, लहसुन की कलियाँ मैंने डाला है 4 से 5 पीस, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके हम इसे बारीक पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब सभी को मैं यहाँ पर इस तरह से बनाकर रेडी करूँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी, आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो आराम से स्किप कर सकते हैं। अब स्वाद के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अजवाइन। तब मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, थोड़ा हाथों से मसल कर डालूँगी ताकि फ्लेवर अच्छे पूरियों में आ सके। थोड़ा सा डालूँगी हींग और सभी को बढ़िया से हम मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। और सभी को देखिए मैंने यहाँ पर बढ़िया से किया है मिक्स। आप चाहे तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ गेहूँ के आटे। तो जितने यहाँ पर आप साग पीसे हैं यानी कि पेस्ट बनाए हैं उसका अनुसार यहाँ पर आपको आटा डालना है। जितना इसमें आ जाएगा उतना हिसाब से आपको डाल देने हैं। तो यहाँ पर आटा थोड़ा गीला गीला लग रही है, तो 1 कप यहाँ पर और मैं डालूँगी तभी यहाँ पर आटा का डो यहाँ पर टाइट बनने वाला है, क्योंकि पूरियों के आटा के डो थोड़ा टाइट रहते हैं क्योंकि फूलने के बाद थोड़ा सा गीला पड़ जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप फिर से डाल दिया है और फिर से हम इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बढ़िया से इसे मिक्स कर लिया है। आप यहाँ पर आटा क्वांटिटी अपना हिसाब कर लीजिएगा, जितना आप यहाँ पर साग पेस्ट बना रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आप अंदाज से कर लीजिएगा। और देखिए मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ का डो बिल्कुल बनाकर रेडी कर लिया। मैंने हल्का सिर टाइट रखा है क्योंकि इसे हम जब रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो गिल्ला बिल्कुल भी नहीं पड़े, इन बातों का ध्यान दीजिएगा। तो हम ढक्कन लगा कर करीब रख देंगे 25 से 30 मिनट के लिए, आप चाहे तो 1 घंटा भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम देखिए इस तरह से लंबे भाग करेंगे और चाकू के हेल्प से छोटे पीस में बना लेंगे। तो जितने हिसाब से आप पूड़ियाँ को बनाना चाहते हैं, मोटी पतली छोटे बड़े, अपने हिसाब से यहाँ पर गोला बना लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 गोला लिया है, इसे मैंने चिकन कर लिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट बेल के। तो हमें यहाँ पर लगाना है थोड़ा सा तेल। यहाँ पर आपको ड्राई आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि तेल में जब आटे जलते हैं तो तेल गंदे हो जाते हैं। तो हल्का हल्का आप तेल लगा कर ही पूरी बेल लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इतना मोटा रखा है, नहीं ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला, और सभी को हम बस इसी तरह से बेल के रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरियों को फ्राई करने के लिए तेल को पहले ही गैस पर चढ़ा कर रखा, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा का टुकड़ा डाला है चेक करने के लिए कि तेल कितना गर्म है, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरी बनाने के लिए यानी कि फ्राई करने के लिए यहाँ पर तेल ज़्यादा गर्म चाहिए। तो तेल यहाँ पर बिल्कुल ठीक गर्म है। मैंने यहाँ पर 1 पूरियों को डाल दिया है और हल्का हल्का इस तरह से कलछी से प्रेस करते हुए हमें यहाँ पर पूरियों को फुला कर बिल्कुल रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा को आपको ज़रूर से यहाँ प्रेस कराना है, आप 1 से 1.5 घंटे रखिएगा, लेकिन रखिएगा ज़रूर, तभी आपके गुब्बारे की तरह यहाँ पर फुली फुली पूरियाँ बन के रेडी होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इतने ही रखा है, आप चाहे तो और क्रिस्पी कर सकते हैं जैसे आपके घर में पसंद करते हैं। बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप इस पूरी को किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, कोई भी सब्जी के साथ आप खा सकते हैं, चटनी हो या आलू सब्जी हो, चने की सब्जी हो, मटर के छोले हो, सभी के साथ ही बेस्ट रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पहले से बना कर रखी थी सिर्फ आलू की सब्जी और मैंने यहाँ पर टमाटर धनिया पत्ता ही दिया है और कुछ भी मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। तो चलिए मैं भी दिखाती हूँ तोड़ के कितना टेस्टी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ पर हरी हरी पूड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है फ्रेंड्स, एक बार बनाइएगा मेरे तरीके से, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और जो बच्चों साग नहीं खाते हैं आप बिल्कुल खाएंगे, आप यकीन मानिए, मेरे तरीके से आजमा कर जरूर देखिएगा। थैंक यू।